किडनी रोगी अब ना हो परेशान, क्योंकि विश्व विख्यात होम्योपैथी डॉक्टर दिनेश मोहन ने बिना ऑपरेशन ढूंढ निकाला है किडनी रोग का सफल इलाज। डॉक्टर दिनेश मोहन वैसे तो एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन साल 2001 उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया जो किडनी रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ। दरअसल साल 2001 में डॉक्टर दिनेश मोहन की माताजी की मृत्यु किडनी फेल होने की वजह से हो गई थी। बस यही दुख का पहाड़ डॉक्टर दिनेश मोहन को हृदय रोग विशेषज्ञ से किडनी रोग विशेषज्ञ भी बना गया। डॉक्टर दिनेश एक ऐसे अमूल्य चिकित्सक हैं जो किडनी का बिना ऑपरेशन सफल इलाज करते हैं। अब इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य किडनी रोगियों को नया जीवन देना है, और इस उद्देश्य को पाने में उन्हें भारी सफलता भी मिली है। यही वजह है कि प्रमुख अखबारों में उनकी सफलता के किस्से प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर दिनेश जी का अंबाला में मोहन होम्यो क्लिनिक भी है, जहां हृदय रोग व किडनी की गंभीर से गंभीर बीमारियां होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जरिए कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर मोहन का मानना है कि किडनी का गंभीर से गंभीर रोग भी आसानी से ठीक हो सकता है, आवश्यकता है तो बस हौसला रखने की। नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम किडनी रोग का सफल इलाज में। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम तरह की जानकारी आप सभी को मिलती है किडनी रोगों से संबंधित, और या फिर अगर आप डायलिसिस पर चले जाते हैं, अगर आपको लगता है कि डायलिसिस ही अब एक रास्ता रह गया है अपनी किडनी को थोड़ा बहुत चलाने का, तो चलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से यही सारे भ्रमों को दूर करते हैं, बताते हैं कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट ही एक जरिया होता है जीवन को जीने का, किडनी को ठीक करने का, या कोई और भी ट्रीटमेंट मौजूद है होम्योपैथी में। ये सारी जानकारी आज हम फिर से प्राप्त करेंगे हार्ट एंड किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश मोहन जी से। बिना देर किए सबसे पहले करते हैं डॉक्टर साहब का स्वागत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जब भी इस कार्यक्रम के बारे में बात होती है बहुत सारे मेल्स हमारे पास आते हैं, जिनमें से गिने चुने मेल्स हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं। मेल पढ़ के सुनाना चाहूंगी। राजेंद्र कुमार ने हमें मेल किया है, 53 इयर्स है इनकी एज, और इन्होंने हमें मेल भेजी है जालंधर पंजाब से। इनका सवाल है, मैं दो बार किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुका हूं। पहले ट्रांसप्लांट में किडनी 6 महीने चली और दूसरी बार ट्रांसप्लांट करवाने पर भी मैं पिछले 8 महीने से डायलिसिस करा रहा हूं। मुझे बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन खानी पड़ती हैं। अब इनका सवाल ये उठता है, आपके इलाज से कितने समय में डायलिसिस रुक सकेगा, क्या एलोपैथिक दवाइयां बंद हो जाएंगी, और दूसरा सवाल है, क्या एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथी दवा का कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन तो नहीं होगा, बताइएगा। सभी व्यूअर्स को मेरा विनम्र नमस्कार। किडनी फेल के सफल होम्योपैथिक इलाज के बारे में आज मैं आपसे वर्षों के अनुभव, अपना दृढ़ विश्वास, अपना आत्मविश्वास बांटने आया हूँ, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है। देखिए, आप ये जो ईमेल हमें इनकी मिली है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका इलाज होम्योपैथी की सूक्ष्म नज़र आने वाली गोलियाँ, इनको कि मैं हीलिंग डायनामाइट्स का नाम देता हूँ, इसके द्वारा संभव है। आपका जो ट्रांसप्लांट आपने देखा कि पहले कराया गया, आपकी बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करता है। जब किडनी नई लगाई जाती है तो हमारा ये इम्यून सिस्टम एक्टिविटी में आके उसको एक फॉरेन बॉडी समझ के रिजेक्ट कर देता है। सेकेंड टाइम ट्रांसप्लांट कराया गया, वो कुछ समय चला, उसके बाद वो भी फेल हो गया और आप फिर से डायलिसिस पे आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी केवल किडनी की बीमारी को किडनी में ही नहीं देखती, बल्कि इसको एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर समझ के इस पूरे शरीर में इस बीमारी की जो जो शाखाएं हैं उनको स्टडी करके, उनको एक साथ मिलके इलाज करने की जब कोशिश करती है होम्योपैथिक नियमों के आधार पर, तो ये बीमारी जड़ समेत उखाड़ फेंकने में ये सूक्ष्म नज़र आने वाली गोलियाँ एक आश्चर्यचकित परिणाम दिखाती हैं। मैंने बहुत से केसेस में स्टडी किया कि किडनी की बीमारी आपके अंदर बनी क्यों, क्या कारण थे कि किडनी की बीमारी। कुछ लोगों ने बताया कि हमें बिजनेस के अंदर लॉस हुआ, उससे हमें सदमा लगा।
एक लेडी जिसकी की जवान बेटी की शादी होनी थी, पता लगा अरे इसको तो कैंसर हो गया। एक माँ उसके जवान बेटे की डेथ हो गई। गहरे दुख और सदमे के अंदर जो मानसिक तनाव उनके शरीर में आया, वो तनाव सारा का सारा तनाव मेंटल लोड किडनी के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया और किडनी जो है उसने अपना काम करना छोड़ दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी की ये जो गोलियाँ हैं ये आपके टूटे हुए दिल को एक मरहम लगाती हैं, उसको हील करती हैं। हीलिंग, मेंटल हीलिंग इन पेशेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी की परेशानियों की के बोझ के तले आप जी रहे हैं और आधुनिक जीवन की चिंताएं आपके ऊपर हर टाइम मंडरा रही हैं, ये सब दिन रात आपको परेशान किए जा रही हैं, इनका असर आपकी किडनी पे, इस मेंटल स्ट्रेन का उसके सेल्स को डैमेज करते जा रही हैं। जैसे किडनी और मन एक अलग नहीं है, बॉडी एक हेडलेस मशीन नहीं है, बॉडी मन का आपके जो चल रहा है और उसके एक एक फीलिंग, जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर, जो बीमार मन जब हो जाता है तो उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस घर बना लेती हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा, बहुत किस्म के नाना प्रकार के संशय, सस्पिशन, ये ना हो जाए, ये कहीं मेरे को कुछ करना दे, एक डर, 6 बेसिक फियर से इंसान ग्रसित है। ये नेगेटिव इमोशंस आपकी किडनी को दिन रात परेशान कर रही हैं, उसके सेल्स को ख़त्म करती जा रही हैं। लेकिन जब होम्योपैथी की हीलिंग डायनामाइट्स की गोलियां आपके मन को स्वस्थ करती हैं तो ये सब नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन बन जाती हैं, प्यार, प्रेम, विश्वास, उत्साह, उमंग। और ये जब नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन ट्रांसफॉर्म हो गई तो एक ज़बरदस्त ऊर्जा का जन्म होता है और ये जो ऊर्जा है ये किडनी सेल्स को फिर से रीजनरेट करती है, नए सेल्स का निर्माण करती है, एक रीजुविनेशन आपके अंदर, एक पेशेंट लुक्स ईयर्स यंगर आफ्टर वर ट्रीटमेंट। होम्योपैथी का ये करिश्मा ये केवल आपको एक्सपीरियंस करने से नज़र आएगा। ऐसा मैं आपकी किडनी को जो ट्रांसप्लांटेड की गई है इसको भी हम दोबारा रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। एलोपैथिक दवाइयों के साथ हमारी दवाइयों को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसको सुरक्षापूर्वक ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है राजेंद्र जी अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। दर्शकों, अगर आप सोच रहे थे कि होम्योपैथी से क्या आपकी किडनी फेलियर का जो इलाज होता है वो संभव है या नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी करवा के देखिए एक बार। दवाइयाँ बहुत सारी खाते होंगे यकीनन, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है, उपचार आपका नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप मोहन होम्योपैथी क्लिनिक में जा सकते हैं। मोहन होम्यो क्लिनिक्स जो कि अम्बाला में स्थित है, आप यहाँ पर जाइएगा, अपना ट्रीटमेंट कराइएगा और देखिएगा किस प्रकार से आपको लाभ देखने लगता है। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत इन्हीं सब बातों के साथ। जाने से पहले हर बार की तरह डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका, नमस्कार। मार्च 2014 में मेरी किडनी फेल हो गई थी, मेरे 8 डायलिसिस हुए। उसके बाद मैं अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर दिनेश मोहन जी के पास आया, उन्होंने मेरा होम्योपैथिक इलाज शुरू किया और मेरे डायलिसिस बंद हो गए। अब मैं 6 महीने से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरा परिवार और मैं डॉक्टर साहब के अति पर आभारी हैं, हमें दूसरा परमात्मा मिल गया है, हमें उनका धन्यवाद। मोहन होम्यो क्लिनिक्स में किडनी रोगों के साथ साथ हृदय रोगों का भी सफल इलाज किया जाता है। अब दिल की बंद नलियों को बिना ऑपरेशन खोला जा सकता है। बाईपास सर्जरी से बचें, हृदय के खराब वाल्व का बिना ऑपरेशन इलाज, नब्ज की कमी, पेसमेकर की आवश्यकता नहीं, हृदय के सुराख का सफल इलाज। हमारा पता है मोहन होम्यो क्लिनिक्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, अंबाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 0171251118, 0981205518। हमारा ईमेल एड्रेस है mohanhomeo@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.kidneyhealing.com।